चंद्रपुर जिले में पिछले दो महीने से बारिश निरंतर हो रही है, जिससे चंद्रपुर जिले के ग्रामीण इलाके में खेती और घरों का नुकसान हुआ है। नुकसान हुए कुछ नागरिकों की सूची जोड़ी जा रही है। बारिश के कारण घर गिर जाने से नागरिकों को निवास की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। रामपुरी तहसील ब्रह्मपुरी इस गांव के 4 वर्षीय सोयम वनस्कर के घर की दीवार ढहने से उसकी जगह पर ही मृत्यु हुई। जिनके घर गिर गए हैं, उन्हें जल्द ही मुआवजा दिया जाए और घर को बांध कर देना आवश्यक है। इनमें से कई पीड़ितों के घर शासकीय जगह पर पिछले कई पीढ़ियों से है, लेकिन घर के जगह को पट्टा ना होने से घर कुल देने दुविधा निर्माण हो रही है। इसके अलावा घर कुल देते समय शासन की ओर से इससे पूर्व भी जाहिर हुई प्रतीक्षा सूची के नाम ग्राह्य पकड़े जाने से अतिवृष्टि से घर गिरने बाद घर कुल मिलेंगे या नहीं, इसका डर निर्माण हुआ है। श्रमिक एल्गार ने 9/9/2019 को तहसील कार्यालय सिंधेवाही लेनवाही और साडल लापुर तो यहाँ के अतिवृष्टि से बाधित हुए लोगों का मोर्चा निकालकर शासन का ध्यान आकर्षित किया। तहसील कार्यालय मूल सिंधेवाही सावली ब्रह्मपुरी राजूरा ज्योति यहाँ इन मांगों का निवेदन जिलाधिकारी को दिया गया था। अतिवृष्टि से गिरे सभी बाधितों को बिना किसी शर्त के घर को जल्द बांधकर दिया जाए, अतिवृष्टि से बाधित हुए लोगों को मुआवजा दिया जाए, खेती माल के हुए नुकसान का मुआवजा दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपए हेक्टर दिए, ग्रामीण इलाके के सभी घर का शासन ने स्ट्रक्चरल एडिट करे और खतरा मंडराने वाले सभी घर गिराकर जल्द ही बिना किसी शर्त से घर को दिए जाए, यह मांगे रखी गई थी। इसी सिलसिले में श्रमिक एल्गार की ओर से पत्र परिषद ली गई। इस समय पत्र परिषद में श्रमिक एल्गार की संस्थापिका एडवोकेट पारमिता गोस्वामी ने इस संदर्भ में अपने विचार रखे। चंद्रपूर जिल्ह्याचे हजारों घरांची पडझड झालेली आहे। या जे घर पडलेले आहेत यांना घरकुल ताबडतोब सरकारने दिलं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे। घरकुल देताना कोणत्याही अटी शर्ती सरकारने लागू नाही करायला पाहिजे, नाहीतर प्रतीक्षा यादी किंवा कोणत्याही जातीचे समाजाचे कॅटेगरी हे असे जे अटीशर्ती आहे यामुळे लोकांना घरकुल मिळत नाही। त्यामुळे अतिवृष्टीमध्ये सापडलेले घर किंवा अतिवृष्टीमध्ये पडझड झालेली घरं ही एक वेगळी कॅटेगरी आहे। नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या लोकांना आज बेघर व्हावा लागलं आहे त्यांना ताबडतोब विना विलंब लगेच सरकारनी घरकुल मंजूर करायला पाहिजे ही आमची पहिली मागणी आहे। दुसरा, शेकडो हेक्टर शेती आज नुकसान झालेलं आहे। शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये प्रचंड भीती आहे की हे कृषी विभाग किंवा प्रशासन हे आमचे शेतीचे सर्वे करणार की नाही, नुकसान भरपाई मिळणार की नाही, कारण आता निवडणूक तोंडावर आहे। आज न उद्या आचारसंहिता जाहीर होणार आहे आणि एकदा आचारसंहिता जाहीर झाली की मग ह्या शेतीचं आमचं जे नुकसान झालेलं आहे हे लोक येणार की नाही याची काहीही गॅरंटी शेतकऱ्यांना वाटत नाही आहे, आणि म्हणून आज आम्ही प्रशासनाकडे मागणी केलेली आहे।